मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नमस्कार, मेरा उल्हास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित। मेरा उल्हास यानी हमारा शहर उल्हासनगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्हास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। हर साल की तरह इस बार भी उषा माता नगर रेजेंसी होटल के पास सिंधु नगर का राजा को विराजमान किया गया। शुक्रवार को पूज्य बैरन साहब का आयोजन किया गया और बड़े पैमाने पर भोजन प्रसादी वितरित की गई, जहां पर हजारों लोगों ने आकर भगवान श्री गणेश और भगवान झूलेलाल के दर्शन किए। माता जी अति तुझे ओ कीरते, अल्लाह पाया जी माँ जी तक
Thank you.
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर के सबसे बड़े और प्रसिद्ध ग्रुप एमएम ग्रुप ने इस बार काफी आकर्षक प्रतिमा सजाई है। साईं पार्टी की टीम ने एमएम ग्रुप के गणेश पंडाल में जाकर भगवान गणेश के दर्शन किए और इतनी आकर्षक प्रतिमा सजाने पर एमएम ग्रुप को बधाइयां दी। जय गणेश। सभी उल्लासनगर वासियों को हार्दिक शुभेच्छा, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ गणेश उत्सव की। हर साल की तरह एमएम ग्रुप इस बार भी कुछ इनोवेटिव लेके आया है। सब मंडल हमारे मंडल लेके आया है इस बार भी कुछ नया करने जैसा आपको दिखने में आएगा। मैं हर एक शहरवासी को अपील करता हूँ कि आइए, गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ पर हमने जो इस बार का हमारा थीम रखा है वो है गणेश जी के साथ में शिव जी विराजमान हैं। तो सबको मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा कि आइए और मेहरबानी करके हमारे मंडल पे ये जो हमने साज सजावट की है शिवजी के साथ, भोलेनाथ के साथ में, पूरे ब्रह्मांड पे जो राज करते हैं हमारे भोलेनाथ, उनके साथ में हमारे गणराज विराजमान हैं, तो आइए और सब लोग आके उनका दर्शन करिए। हमारा अभी 38th ईयर है रेगुलर जो हम इस मंडल को चलाते आ रहे हैं, और हर साल कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के लिए सब जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आइए और सब लोग एक बार फिर से दर्शन लेके हमें आशीर्वाद दीजिए कि ताकि हमारे दोस्त, हमारे चेयरपर्सन, हमारे जो सबसे मेंबर जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, हम सब जो फ्रेंड्स में से अनी भाई, उनका जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव रहता है इसके अंदर। जो पूरा वर्क आप देख रहे हैं, जो पेंटिंग है या फिर जो आइडियाज़ हैं, वो अनिल भाई के रहते हैं ज़्यादातर। गणपति बप्पा मौर्या, आए हुए सभी गणेश भक्तों का एमएम ग्रुप में स्वागत है। और मैं चाहता हूँ हर साल की तरह हमने इस बार भी कुछ अलग करने की कोशिश की है, और यहाँ पे जो आए हैं सभी का स्वागत है, और जिसने नहीं यहाँ पे दर्शन किया है वो भी यहाँ आके दर्शन जरूर करें। 2012 में 321 मूर्ति हमने रखी थी गणेश जी की, उसके लिए हमको लिम्का बुक अवार्ड्स में ये मिला था अवार्ड। इस साल की तरह एमएम ग्रुप ने एक बार फिर से अलग गणपति रखने का प्रयास किया है, और हमें आपका सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरा उल्लासनगर आए और यहाँ पे दर्शन करें। हमने शहर से 2 साल पहले एक वादा किया था, जो हादसा हुआ था उसके बाद, कि हम गणेश जी की मूर्ति 10 फुट के नीचे रखेंगे, और ये सेकेंड ईयर है, हमने अपना वादा पूरा किया है। हमने इस बार भी मूर्ति 7.5 फीट की ही रखी है। हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं सब उल्लासनगर वासियों से, आएँ और एमएम ग्रुप में ज़रूर गणेश जी का दर्शन करें। धन्यवाद। जय झूलेलाल। हमेशा जीअं एमएम ग्रुप में असां ईंदा आहियूं न, ही सिर्फ़ गणपति बापा के विराजमान न कंदा अथव, हिननि में ॿियूं बि ख़ूबियूं घणेई अथव। ही भक्ति भाव जेको बि कंदा आहिनि न, बिल्कुलु दिलि सां कंदा आहिनि। इन जे अलावा ही छुपा रुस्तम अथव,
ही पंहिंजे शहर जे लाइ, शहर जे अलावा ॿियनि जे लाइ बि अहिड़ा सुठा सुठा कार्या कंदा अथव। कॾहिं बि कंहिंखे बि तकलीफ़ ईंदी आहे या कंहिंखे ब्लड खपंदो आहे, इमीजिएटली इहे सभु अची हाज़िर नाज़िर थींदा आहिनि। त अहिड़नि ॿारनि खे मुंहिंजो कोटि कोटि नमन आहे। गणपति बापा खे त आहे ई आहे, पर हिननि ॿारनि जी जेका फीलिंग आहे ऐं जेको शहर जे लाइ कनि था, जेको ॾेखारनि कोन था, त अहिड़ा ॿार भॻवानु करे वधंदा विझंदा रहनि। परमात्मा हिननि खे अणंगणी आर्जा ॾे। गणपति बापा मोरिया। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। मुझे करते वसण शाह जी रहमतया, मुझे सिर ते मुझे घर ते वसण शाह जी रहमत आ। मुझे सिर ते मुझे घर ते वसण शाह जी, जंहिंजे घर ते वसण घोट जी रहमत आहे उहा त मथे करे, जंहिंजे घर ते वसण घोट जी रहमत उहा त मथे करे। त भई मुझे सिर ते मुझे घर ते वसण शाह जी रहमत आ। मुझे सिर ते रहमत आ। सुखी जीवन आहे मुंहिंजो, सुखी जीवन आहे मुंहिंजो, इहा साईंअ जी रहमत आहे। मुंहिंजे दिल ते मुंहिंजे घर ते वसण शाह जी रहमत। जय जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सुहे मुसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सुहे मुसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सुहे मुसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको, जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको, और भला जाऊं मैं किसको, छोड़ तुझे और भला जाऊं मैं किसको, भव से पार करो नाथ भजन करूं तेरा, भव से पार करो नाथ भजन करूं तेरा। माता जाकी पार्वती पिता महा
महादेवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत कोड़ियन को काया अंधन को आँख देत कोड़ियन को काया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया हार छड़े फूल छड़े और छड़े मेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास एमएम ग्रुप के साथ साथ साईं पार्टी की टीम ने एएफसी यानी अष्टविनायक फ्रेंड सर्कल ग्रुप में जाकर भगवान श्री गणेश के दर्शन किए और उत्कृष्ट संदेश देने का जो थीम बनाया है उसका भी लाभ उठाया सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को धोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळीन म्हणे नावा तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधुच सखा तुमेव तुमेव विद्या करुणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव आयल वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास उल्लासनगर मनपा कार्यालय के सामने सैटेलाइट ग्रुप ने भी बहुत ही आकर्षक प्रतिमा सजाई है आइए लेते हैं इसका जायजा आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए
मेरा उल्लास। पूरे महाराष्ट्र में मीसिंस एंड रूबेला नामक वैक्सीन लॉन्च किया जा रहा है, जो 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा, जिसकी जानकारी दे रहे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर राजा रिजवानी। तो आज कमिश्नर और उपमहापौर जीवनी इदनानी साहब की अध्यक्षता में हमारी एक मीटिंग हुई। उसमें हमारी मीटिंग का मेन इशू है कि नवंबर में हम पूरे महाराष्ट्र में MR मीजल्स एंड रूबेला का वैक्सीन हम लॉन्च कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी प्रिपरेशन के सिलसिले में आज मीटिंग हुई थी। ये इसमें ऐसा स्कीम है, ऐसा ये वैक्सीनेशन का है प्रोसेस कि 9 महीने से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं उल्लासनगर में, उसको हम ये वैक्सीनेशन देंगे, वो चाहे स्कूल में हो या स्कूल के बाहर हो। आज हमारे जितने भी उल्लासनगर के प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल थे, आज हम के उनके जो अधिकारी हैं उनको बुलाया, उनके साथ चर्चा हुई, उनके साथ हमारी चर्चा हुई और उनसे हमने लिस्ट मांगी है कि उनके पास कितने बच्चे हैं। तो ये हम वो सिलसिले में हमारा प्रोग्राम था कि नवंबर की 27 तारीख पूरे महाराष्ट्र में मीजल्स और रूबेला की जो वैक्सीनेशन हम लगाने को जा रहे हैं, वो सिलसिले में उनसे यादी और उनसे चर्चा हुई, उनको जो डिफ़िकल्टी है उनके ऊपर डिस्कशन हुई और उनको कैसे कार्यक्रम आगे चलाना है, वो सिलसिले में हमारा आज मीटिंग हुई। अप्रॉक्सीमेटली हमारा, जैसे हम पोलियो में हर जब भी पोलियो का राउंड होता है तो 70,000 बच्चे होते हैं, मगर उसका जो है वो वय जो है एज होता है 0 से 5 ईयर्स, और ये जो एज है वो बड़ा ग्रुप है, 9 महीने से 15 साल तक बच्चे, माना जो 10वीं में बच्चे होंगे, करीब करीब हमारे उल्लासनगर में 2 लाख बच्चों का ऐसा हमारे पास अंदाजे टारगेट है कि 2 लाख बच्चों को हम उल्लासनगर में कवर करेंगे और पूरे महाराष्ट्र में करीब 3 करोड़ के ज़्यादा बच्चे इसमें कवर होंगे। बिल्कुल उसके लिए हमारी स्कूल में तैयारी हो गई है। हम पहले, सबसे पहले 2 हफ्ते पहले नवंबर के स्कूल में हम ये कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद जो बाकी दिन बचेंगे 2 हफ्ते, वो जो बच्चे रह गए उसको उनके जो स्पेसिफिक एरिया रहेगी हम वहाँ पे लगाएंगे। ये हाउस टू हाउस, घर आके इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, हमारे सेंटर सेंट्रल हॉस्पिटल जो हमारे आरोग्य केंद्र है वहाँ पे ये इंजेक्शन लगाया जाएगा, मगर पहले राउंड में 2 हफ्ते हम स्कूल्स कवर करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मेजॉरिटी बच्चे 75% बच्चे जो हैं वो स्कूल में हैं और हमारा टारगेट होगा पहले वो कवर किए जाएं, बाकी उसके बाद दूसरे बच्चे कवर किए जाएं। हाँ, ये पूरा कार्यक्रम उल्लासनगर महानगर पालिका वैद्यकीय डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है और गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उसके लिए पूरी सर्वेलेंस चालू है। अभी भी आज भी हमारी जो मीटिंग हुई उसमें WHO कंसल्टेंट जो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो बैठे थे, उन्होंने मीटिंग का भी पूरा जायज़ा लिया और अभी भी उनकी ही स्टेट गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेरा सभी उल्लासनगर के रहवासियों को ये आह्वान है, ये रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने बच्चों को नवम्बर के पीरियड में जब भी हम ये कार्यक्रम चालू करेंगे वो पीरियड में आप अपने बच्चों को 9 महीने से 15 साल के जितने बच्चों हैं उसको ये इंजेक्शन लगाइएगा। ये इंजेक्शन सेफ़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको अगर इसकी जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्थ सेंटर से, सेंट्रल हॉस्पिटल मेटर्निटी से आप उसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।
मेरा उल्लास 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 धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज एकता भाईचारे का हो सदा एहसास हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास मेरा उल्लास 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 आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास।